हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इसमें हम जो आज टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम, ये देखेंगे, और एनवायरनमेंटल कंसर्न इन जियोपॉलिटिक्स वो हम देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स देखेंगे, और ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। मतलब शुरुआती, मतलब इंट्रोडक्शन एक बार का, और शुरुआती टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। और इसके कुछ टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जैसे आपका कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो उसमें हो चुका है, आपका अर्थ समिट करा दिया है मैंने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करा दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल करा लिया। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मगर ये स्टार्टिंग आज हम देख लेंगे। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पहली बात तो पॉलिटिक्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एनवायरनमेंट आपको पता है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है, और हम धुआंधार क्या करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। और इस डेवलपमेंट का नतीजा ये है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है डिग्रेड होता जा रहा है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी खराब होती जा रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई जा रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं, और फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्सेज खत्म भी हो जाएंगे। तो इनका सॉल्यूशन क्या है, कौन देगा सॉल्यूशन, पॉलिटिक्स में क्यों बढ़ रहे हैं? तो ये तो आपने देख लिया, एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन इनका पॉलिटिकल है। भाई आप सोचो, एनवायरनमेंट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमें रोकना है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को हमें अगर रोकना है, पॉल्यूशन को हमें रोकना है, कोस्टल पॉल्यूशन को हमें रोकना है, तो सॉल्यूशन तो पॉलिटिकल, मतलब जो फील्ड है उसी के पास है, पॉलिटिकल पावर है उसी के पास है, जो पॉलिटिक्स को रन कर रहे हैं उसके पास है, देश चला रहे हैं उनके पास है। इसलिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करना है तो हमें सभी के सभी पॉलिटिकल लीडर्स को साथ में लाना पड़ेगा, सभी देशों को साथ में लाना पड़ेगा, मिलजुल के तब हमें कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था अर्थ में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अर्थ समिट जो हमने करी थी। तो यहाँ पे कौन आया था, यहाँ पे आए थे पॉलिटिकल लीडर्स, दुनिया भर से अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स आए, तब उन्होंने सहमति जताई। तो इसलिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका सॉल्यूशन किसके पास है, सॉल्यूशन पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के पास है, वही डिसीजन लेंगे तब जाके चीज़ें आगे इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसी नोट के साथ। तो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड इश्यूज आर गेनिंग इंपॉर्टेंस। आज की डेट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप देखो, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित जो इश्यूज हैं उनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। 1960s के बाद ही आप देखो, 1960s का मतलब 1960 से 1970 के बीच में ना, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा देयर इज राइज ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंट से संबंधित मूवमेंट्स बढ़ने लग जाते हैं, कब, 1960s के बाद से। क्योंकि आप देखो, अगर अपना एनवायरनमेंट सही नहीं रहेगा ना, तो फिर हमारा रहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से संबंधित मूवमेंट कब स्टार्ट होते हैं, 1960s के बाद स्टार्ट होते हैं। इश्यूज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इनको डिस्कस किया जाने लगा, डिबेट किया जाने लगा, और इनको बोला जाने लगा यार ये ग्लोबल कंसर्न है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ों पर डिस्कस होने लग गया फिर, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अपनी अर्थ का जो टेम्परेचर उसको बढ़ रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग एंड द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, सन की रेज को पृथ्वी पर आने तो देती है, मगर अर्थ से जब वापस जाती है जो हीट उसको रोक लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, आपको पता है क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पानी आएगा, ज़्यादा ओशन का लेवल बढ़ जाएगा, तो बाढ़ आने की संभावना रहेगी। तो 1960s के बाद ही जब ये मूवमेंट चलने लगे, तो आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट जैसी समस्याओं को लोग ओपनली डिस्कस करने लगे, और इनको एक ग्लोबल कंसर्न माना जाने लगा। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज एम्फसाइज्ड एज द दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग एट ए फास्टर रेट। अब जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं ये बहुत तेज गति से क्या होते हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए फोकस किया जा रहा है कि यार हमें नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, अदरवाइज वी विल हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कमिंग फ्यूचर। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं उनको हम देखेंगे, कौन कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मतलब आ रही हैं। आप देखो, जो पोल्यूशन हो रहा है कौन क्रिएट कर रहा है, इंसान क्रिएट कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का संबंध किससे है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, और इससे हम, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी किस पर, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज पर है ना, हम पानी को मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं, हम जमीन को पॉल्यूट कर रहे हैं, हम हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इंपैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। कौन कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, हर तरह का पॉल्यूशन, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, है ना, ओशन का पॉल्यूशन हो, सब पॉल्यूशन इसमें आ जाएंगे। वाटर, एयर, सॉइल, इनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, वाटर सेलिनिटी बढ़ रही है,
डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है, कोस्टल पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर का खत्म होना, और फॉरेस्ट डिप्लीशन मतलब फॉरेस्ट का धीरे धीरे खत्म होना। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में क्या है, एक मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। अगर ये कंटिन्यू रहीं तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं फेस करने को मिलेंगी। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस बढ़ने लगी। ठीक है, तो एट ग्लोबल लेवल अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ अरोज एज ए पॉलिटिकल इशू फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स। तो आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है और इसके जो परिणाम होंगे और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करने लगे, इनके बारे में हमें जानकारी होने लग गई। कब से? 1960s के बाद से ही। अब यार सोचो यार, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? बाढ़ आएगी तो उसका इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। तो मतलब ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो प्रभाव हैं, कॉन्सिक्वेंस हैं, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें पॉलिटिकल इशू बन गया। क्या बन गया? पॉलिटिकल इशू। इसलिए इनको 1960s के बाद से ही डिस्कस किया जाने लगा। एक रिपोर्ट आई थी, ध्यान रखना, द क्लब ऑफ रोम ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी 1972 में, उसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। क्लब ऑफ रोम एक ग्रुप हो गया, इसने एक रिपोर्ट जारी करी। हालांकि इसके राइटर जो हैं वो मीडोज हैं, डोनेला मीडोज, डेनिस मीडोज, अगर मतलब एग्जैक्ट वो देखें तो ये मीडोज आ जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में मीडोज करके दे रखा है कि ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ है किसने लिखी, मीडोज ब्रदर्स ने। ठीक है, या मीडोज ने लिखी थी, मगर ग्रुप किसने पब्लिश किया था, ग्रुप है वो क्लब ऑफ रोम। तो क्लब ऑफ रोम ने एक किताब लिखी 1972 में, उसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, लिमिट्स टू ग्रोथ जो है किसने लिखी, क्लब ऑफ रोम। यहाँ पर बताया गया था कैसे जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसका हमारे रिसोर्सेज पर प्रभाव पड़ रहा है, रिसोर्सेज हमारे कैसे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्कस किया गया था इस बुक में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने भी इंटरनेशनल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस बुलाना स्टार्ट कर दिया ताकि ग्लोबल प्रॉब्लम्स या एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर डिस्कस किया जा सके। एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट से संबंधित किन किन चीज़ों पे हम मतलब चिंतित हैं, किन किन चीज़ों को लेकर चिंतित हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ठीक है, देखो, कल्टीवेबल लैंड इज नॉट एक्सपेंडिंग, एग्रीकल्चर लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी, ग्रास लैंड्स हैव बीन ओवरग्रेस्ड, फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड एंड मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज हैव डिप्लीटेड एंड पोल्यूटेड। अब यहाँ पे देखेंगे हम एनवायरमेंटल कंसर्न कौन कौन से हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स। जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पूरी विश्व की राजनीति की बात करते हैं, तो विश्व की राजनीति किन किन चीज़ों को लेकर परेशान है एनवायरमेंट से संबंधित। तो पहली चीज़ इनके अनुसार, कल्टीवेबल लैंड जिस पर हम खेती कर रहे हैं वो बढ़ नहीं रही है आज की डेट में, एग्रीकल्चर लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, ग्रास लैंड जो है हमारे घास के मैदान वो ओवरग्रेज कर दिए जा चुके हैं, खत्म किए जा चुके हैं, फिशरीज मछलियों को जरूर से ज़्यादा हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब है मछलियों का ज़्यादा पकड़ रहे हैं, ज़्यादा कैच कर रहे हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है उससे ज़्यादा हम उनको निकाल के लेके आ रहे हैं। पानी जो है, वाटर बॉडी जैसे ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ये डिप्लीट होती जा रही है, डिप्लीट का मतलब उनकी क्वालिटी पानी की खराब होती जा रही है, पॉल्यूट होते जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 जो UNDP ने जारी करी थी, इनके अनुसार 663 मिलियन पीपल पुअर कंट्रीज में इनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 663 मिलियन का मतलब है लगभग 66.3 करोड़ लोगों के पास गरीब देशों में पीने का पानी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 2.4 बिलियन लोग जो ऐसे हैं जिनके पास सफाई का मतलब कोई एक्सेस नहीं है, सफाई की चीज़ों का। 3 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हर साल मरे जा रहे हैं, मर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, है ना, पानी सही ना होने की वजह से, सफाई की व्यवस्था ना होने की वजह से। 3 मिलियन मतलब होता है 30 लाख से ज़्यादा लोग, हर ज़्यादा बच्चे हर साल मर जाते हैं। तो सोचो यार ये जो चीज़ें हैं ना कितनी डेंजरस हैं, मतलब अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाएगा। नेचुरल फॉरेस्ट जो हमारे क्लाइमेट, वाटर सप्लाई और बायोडाइवर्सिटी को स्टेबलाइज कर रहे हैं, इन नेचुरल फोर्सेस का क्या किया जा रहा है, इनको काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। आप सोचो पेड़ पौधे कट जाएंगे तो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु वो भी यहाँ से चले जाएंगे या मारे जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप सबको पता है ओजोन लेयर जो है हमारी, ये जैसे अर्थ है ये ओजोन लेयर है, तो सन से आने वाली जो रेज हैं कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज को रोकती है हमारी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर में जब छेद हो जाएगा तो सन की रेज यहाँ पे आ जाएंगी, ओजोन यूवी वाली रेज है जो पृथ्वी पे आ जाएंगी और लोगों पे गिरेंगी तो लोगों को कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, स्किन डिजीज हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर भी क्या होती जा रही है, हमारी डिप्लीट होती जा रही है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है इकोसिस्टम के लिए भी और हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कोस्टल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, समुद्र के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो किस वजह से बढ़ रहा है, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रहा है। तो अब बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स को कैसे बचाएं। तो पहली चीज़,
कॉमन्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे। व्हाट इज कॉमन्स? कॉमन का मतलब यार ऐसी कोई भी चीज जिस पर हम सबका अधिकार हो उसको हम बोलेंगे कॉमन्स। तो द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रादर शेयर्ड बाय ए कम्युनिटी आर नोन एज कॉमन्स। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी उनको शेयर करती है, उनको हम बोलते हैं कॉमन्स। जैसे ये पार्क यहाँ पे है ना, तो पार्क ऐसी जगह है जो सबके द्वारा शेयर किए जाते हैं, सबका इन पर अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। रिवर है, रिवर पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सबकी है रिवर, है ना। तो एग्जाम्पल में एक कॉमन रूम हो सकता है, कॉमन कम्युनिटी सेंटर हो सकता है, पार्क हो सकता है, रिवर, इनको हम बोलते हैं कॉमन्स। और अब बात आती है ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल कॉमन्स? गिव द एग्जांपल ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो ग्लोबल कॉमन मतलब ग्लोबल वर्ड लग गया, तो पूरी दुनिया के ऐसी कॉमन चीजें जो पूरी दुनिया की है, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स। तो देर आर सम एरियाज इन द वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सॉवरेन ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट एंड रिक्वायर्ड कॉमन गवर्नेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी आर नोन एज ग्लोबल कॉमन्स। आराम से समझो, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इस डेफिनेशन को। कुछ एरिया दुनिया के ऐसे हैं जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ओशन फ्लोर हो गया, आउटर स्पेस हो गया, ये एरिया जो किसी एक देश की सीमा से बाहर हैं, एक देश की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं। मतलब ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है एक देश का यहाँ पे अधिकार नहीं चलेगा, एक देश के यहाँ पे रूल नहीं चलेंगे, और इनको बचाने के लिए सभी की जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, इनको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स। तो एग्जाम्पल बता देना, अर्थ, एटमोस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर और आउटर स्पेस। ग्लोबल कॉमन्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुछ ट्रीटीज और एग्रीमेंट हमने साइन किए, ये तीन आपको याद रखने। पहला है अंटार्कटिक ट्रीटी 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल 1991। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली।